हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पर आज हम सीखेंगे क्वेरी लगाना। क्वेरी लगाना इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक अलग स्टाइल में व्यू पे जाकर के हम क्वेरी लगाएंगे ये। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले ये डेटाबेस ओपन कर रखा है मैंने और यहाँ पे एक्स वाई जेड डेटाबेस लिया हुआ है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, और जैसे ही आप इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यू, सिस्टम व्यू, एक्सटर्नल रिसोर्सेस और तमाम चीजें नीचे दिखाई पड़ेंगी। हमें करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए ये जो हमने बनाया है जाना है और व्यूज पे चले जाना। ये व्यू पे जाएंगे तो इस तरह से व्यू नजर आएगा, इस पर राइट क्लिक करिएगा, न्यू व्यू पे चले जाइएगा। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा व्यू टेबल, तो टेबल हमने लिया है, फंक्शन हमने कोई यूज नहीं किया है, व्यूज यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पर हमने टेबल ही लिया है। तो यहाँ से टेबल को ऐड करवा देते हैं। अब ये ऐड करवा दिया हमने टेबल, और ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टाइल में हम कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑल कॉलम्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कॉलम्स इसमें ऐड हो जाएंगे, आपको ऐड करने की बार बार जरूरत नहीं, ये ऐड हो चुके हैं। अब हमको करना क्या है, सिर्फ राइट क्लिक करना है ऐसे, और यहाँ से एक्सिक्यूट एसक्यूएल इसी पे हमें कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि अगर आप इस तरह से एक्सिक्यूशन करना चाहते हैं, इस तरह से क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टाइल में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।